बारिश नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और आज जो कि संडे है तो आज काफ़ी लोग भी वहाँ पर आए होंगे घूमने के लिए। यहाँ पे लगता है कोई रिसोर्ट है या तो कोई किसी का घर है, पता नहीं क्या है। और स्काईलाइन पे आप व्यू देखिए, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो नहा रहे हैं और छोटे छोटे वाटरफॉल के मज़े ले रहे हैं। एक नंबर मौसम है और चाय भी एक नंबर है। कितना अच्छा व्यू है, और पीछे बैकड्रॉप में आपको ये वाटरफॉल भी दिख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू फ्रीडम एक्सप्लोरर्स। आज संडे है और बारिश का मौसम है और बहुत ही अच्छा क्लाउडी वेदर है। बारिश जैसे नहीं हो रही है, तो हमने सोचा अभी हम पूना में हैं तो पूना के आसपास कोई अच्छा लोकेशन ढूंढा जाए जो एक सीनिक हो, कोई वाटरफॉल मिल जाए और आउटिंग हो जाए थोड़ा सा। और हमारी नई गाड़ी में हम लोग थोड़ा सा एक चक्कर भी मार लें, तो चलो चलते हैं और वो जगह को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही सीनिक और बहुत ही क्लाउडी और अच्छा वेदर है, और बारिश नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बारिश होगी ना तो बाहर निकल के फोटोग्राफ लेने में या वीडियोग्राफ करने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन एटलीस्ट आज बारिश नहीं है और क्लाउडी है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। गाइस सीन देखिए, कितना अच्छा सीन है आज। वाओ क्या सीन है। यहाँ पे लगता है कोई रिसोर्ट है या तो कोई किसी का घर है, पता नहीं क्या है। और स्काईलाइन पे आप व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, और ये रास्ता जाता है खांडी की तरफ जहाँ पर खांडी वाटरफॉल है। हम वहाँ जाएंगे आज, और जस्ट सी दी वेदर, जस्ट सी दी लोकेशन, क्या व्यू है। आसपास का एरिया बहुत ही अच्छा है, एकदम सीनिक। गाइस क्या नज़ारे हैं, एक से एक। सामने अगर आपको दूर दिख रहा है तो वाटरफॉल जो जहाँ पहले था उसके निशान दिख रहे हैं, मार्क्स दिख रहे हैं मिट्टी के, तो देखते हैं शायद नज़दीक जाके अगर कुछ मिले। क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जो सुबह लोग गए हुए थे, लोग वापस आ रहे हैं अभी, तो हो सकता है सुबह सुबह सब लोग, बहुत सारे लोग जाते होंगे, बाइकर्स खास करके। तो अभी तो हम ऑलमोस्ट 12:15 हो रहे हैं, तो देखते हैं हम जाएंगे तो क्या नज़ारा मिलता है। और ये पूरा जो व्यू है, अमेजिंग व्यू। अभी एक आधा वाटरफॉल चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल के मार्क्स हैं, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, ये पोल के राइट साइड में, ये देखिए यहाँ पर वाटरफॉल आपको दिख रहा है, और क्या अमेजिंग व्यू है। वाओ, अगर आप पूना के आसपास है, ये पक्का आना चाहिए, मस्ट है। देखते हैं आगे जाके वहाँ पहुँच के क्या सीन है। गाइस रास्ते में देखिए, हम रुके हैं यहाँ पर ब्रिज के ऊपर, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो नहा रहे हैं और छोटे छोटे वाटरफॉल के मज़े ले रहे हैं। अमेजिंग व्यू।
छोटा सा वाटरफॉल मेरे आगे और मेरे पीछे बड़ा सा वाटरफॉल। गाइस ये नज़ारे देखिए, और इस अच्छे नज़ारों के बीच में हम चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की लेते हुए। एक नंबर मौसम है और चाय भी एक नंबर है। गाइस फाइनली हम लोग कांडी पॉइंट पहुंच चुके हैं। बहुत ही तेज़ हवा है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं दे रही बताना ज़रा कमेंट करके, बट दिस व्यू इज़ वेरी अमेजिंग। यहाँ पर वाटरफॉल नहीं है, व्यू पॉइंट है। वाटरफॉल जो हमने रास्ते में देखा वही वाला था, और ये काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। गाइस नज़ारे देखिए कितना अच्छा व्यू है, और पीछे बैकड्रॉप में आपको ये वाटरफॉल भी दिख रहे होंगे। अमेजिंग व्यू। यहाँ पे कोई नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, एकदम अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी। और ये है पहाड़ों के बीच में हमारी बसंती। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल पे, एंड ये कुछ नज़ारा ऐसा है। बहुत भीड़ है, आज संडे है तो देख लीजिए। दोस्तों ये देखिए जो वाटरफॉल भी हम देख के आए हैं, भांडेवाड़ी वाटरफॉल, ये उसका कुछ सीन है। यहीं पे उसके बगल में और एक वाटरफॉल है जो आप देख सकते हैं थोड़ा आगे जाके, और उसी के बगल में एक और वाटरफॉल। वाओ कितना मस्त सीन है। फिर से आपको मैं ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ, देखो ये 1, 2 और ये राइट मोस्ट भांडेवाड़ी वाटरफॉल। मतलब जहाँ जाइए वहाँ वाटरफॉल। काफ़ी लोकल लोगों से हमने पूछा था, यहाँ पे 10-12 वाटरफॉल है, सबके अलग अलग नाम दिए हैं, तो ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी जगह है। कुदरत की अजीब दास्तां देखिए, वाटरफॉल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना अच्छा नज़ारा है, मज़ा आ गया। वेरी सीनिक रूट। Thank you.
फ्रेंड्स, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, हमने काफ़ी अच्छे सीन देखे और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस थे और वाटरफॉल्स तो 10-12 कम से कम हमें देखने को मिले हैं। संडे था इसलिए थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा था, लेकिन अगर आप बाकी दिन पे आओगे या तो थोड़ा सा आई वुड से ऑफ आवर्स में या मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा आएंगे तो आपको इतना भीड़ नहीं मिलेगा और आपको एक्सक्लूसिवली अपना एक वाटरफॉल के साथ अच्छे फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो इट इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड लोकेशन फ्रॉम आवर साइड और आगे भी हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।